उन्हें जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है, पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी। आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदारनी हो जाएंगी, और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हूरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ, उसमें भी वो मुसलमान बना था। तो आप मुझे बताइए कि आखिर तब मुसलमान मुल्ला कहाँ मर जाते हैं, कहाँ मुंह में क्या ले लेते हैं, तो जब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि बॉलीवुड मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहा है। बॉलीवुड में जितने भी टेररिज्म बेस्ड के जितने भी फिल्म आते हैं उसमें मुसलमान कैरेक्टर टेररिस्ट क्यों दिखाया जाता है, तब नहीं बोलते हैं, लेकिन जब ट्रुथ स्टोरी आती है तब उसको कह दिया जाता है कि भाई ये तो मुसलमान इस्लाम पे खतरा है, अरे जहन्नम है, अरे हिंदू काफिर है, अरे हिंदू को हिंदू मरेगा तो जहन्नम जाएगा, अरे हिंदुओं का कुछ ये नहीं है। आप क्यों हमारे दिमाग में ये चीजें डालते हैं? आप होते कौन है हम मेरे दिमाग में ये चीजें डालने वाले? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ एक प्लेट पे खाते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को आप हमसे काफिर कहलवाइएगा? आज जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैठ करके खा रही हूँ वो मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि फिनारे जहन्नम? मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। मेरे सनातनी भाइयों के लिए, मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए मैं फिनारे जहन्नम नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मेरे लिए फतवा जारी हो, चाहे मुझे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, मैं हर वो चीज अग्री करके एक पैर पर लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैंने ठान लिया। हमारा पंजाब क्यों परेशान है? आपके पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहां से ड्रग्स आता रहता है, इसलिए हमारा पंजाब परेशान है। आपके पाकिस्तान में 4 शादियां धड़ल्ले से होती हैं, कोई ना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 4 शादी के लिए नाजिया इलाही खान ने बैंड करने के लिए आवाज उठाया। हमारे हिंदुस्तान में जब तलाक ज्यादा सर पे चढ़ने लगा और मेरी उम्र हुई, मेरी मैच्योरिटी हुई, तो मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर चिल्लाया और सारे डिबेट्स पर बैठकर कहा कि मैं नहीं होने दूंगी तलाक। मुसलमान औरतों के आइडेंटिफिकेशन के साथ इतना गंदा खिलवाड़ में नहीं होने दूंगी। तो पाकिस्तान में ना अपोजिशन अच्छे है और ना ही सरकार अच्छी है। पाकिस्तान में अगर शाजिया मर्री जैसी औरतें होंगी तो पाकिस्तान की महिलाएं खुद को कभी सेफ नहीं। 40 दिन का चिल्ला करवा रहे हैं, इसमें आप लोगों मुसलमान बच्चों के दिमाग में ये ठूस रहे हैं कि हिंदू जो है काफिर है, हिंदू जो है वो दुश्मन है, ये मुसलमान लड़कियों से तुम शादी करोगे, मतलब एक काफिर को तुम मुसलमान बनाओगे। भाई साहब, आपका कुरान, आपके कुरान में सूरे अल बकरा टीजर रिलीज हुआ है जो बहुत ज्यादा धूम मचाई हुई है उसने, और वो है, उसका टाइटल है 72 हूरे। जी हाँ, 72 हूरे, जो कि रिलेट कर रहा है इस्लामिक हिस्ट्री से, क्योंकि हमेशा से जब भी जहाद और शहादत का जिक्र किया जाता है तो जन्नत के साथ 72 हूरों को रिलेट किया जाता है। इसके अंदर कुछ नाम हमारे सामने आए, जैसे उसामा बिन लादेन हो गया, अजमल कसब हो गया, हाफिज सईद हो गए, इस तरह के कुछ नाम जो हमारे सामने आए, उनको देखते हुए हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। अवाम कंफ्यूज है, स्पेशली पाकिस्तानी अवाम इसको एक एजेंडा कह रही है, हिंदूज का एजेंडा कह लो, इंडियंस का कह लो, अगेंस्ट मुस्लिम्स या अगेंस्ट इस्लाम, इस तरह की चीजें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, बीइंग अ मुस्लिम, आप एक इंडियन भी हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? द डर्टी ट्रूथ ऑफ मुस्लिम्स, द ओरिजिनल ट्रूथ ऑफ मुस्लिम माइट बी बिटर, माइट बी सार, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज द ट्रूथ ऑफ इस्लाम। देखिए, आपके ही पाकिस्तान की एक एंकर है जिनको मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा था कि 72 हूरे मर्दों को आसमान पर मिलेंगी जो वर्जिन होंगी, जिनकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं हुई होगी, और आप
मतलब जैसे आपकी शादी महवेश हो जाएगी किसी मर्द से, और जब वो मर जाएगा और आप मर जाइएगा तो उसको आसमान पे 72 हूरे मिलेंगी और उस 72 हूरों की सरदार आप होंगे। देखिए हदीयत जो है ना, अब मैं थोड़ा सही से बताती हूँ आपको कि हदीयत, ये कुरान नहीं कह रहा है 72 हूरों के बारे में, कुरान ने इस 72 हूरों के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारी हमारी जो किताब है जो रमजान में लैलतुल कद्र में जो नाजल हुई थी, जिस 30 पारे पर इस पूरे इस्लाम को चलना चाहिए, जिस 30 पारे पर इस दुनिया के सारे मुसलमान को चलना चाहिए, जिस 30 पारे को अभी अभी कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया ने कहा है कि वो सिर्फ 30 पारे को मानेंगे, उस 30 पारे को के बियॉन्ड जा करके हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई देश में ऐसे मौलाना और खास करके पाकिस्तान में ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने बहुत कुछ मोल्ड करके रखा हुआ है। हमारा कुरान 72 हूरों का जिक्र नहीं कर रहा है, पर हदीयत जो है ना वो 72 हूरों का जिक्र करता है और कहता है कि पैराडाइज मतलब जन्नत में मर्दों को 72 हूरे मिलेंगी जो वर्जिन होंगी और जिसको आप इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रख सकते हैं, और जो बीवियां होंगी वो उस 72 हूरों की सरदार होंगी, मतलब इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन कराने के लिए हम अपने शौहर के पास एक एक हूर करके भेजेंगे। मतलब वो पैराडाइज नहीं है, वो जन्नत नहीं है, वो चकला खुल गया है, वो प्रोस्टिट्यूट एरिया खुल गया है। क्योंकि जन्नत को जिस तरीके से हमने डिस्क्राइब कुरान में पढ़ा, हमने जो कुरान में सीखा, हमारे बड़े बुजुर्गों से जो हमने सीखा कि जन्नत क्या होता है, जन्नत के बारे में सुन करके बच्चे से बच्चा झूठ बोलना बंद कर देता है, गलतियां करना बंद कर देता है कि हम मरेंगे तो हमको जहन्नुम के आग में जलाया जाएगा अगर हम झूठ कहेंगे, हम गलत करेंगे, किसी के दिल को दुखाएंगे, किसी का माल दौलत लूटेंगे तो हमको जहन्नुम में आग में जलाया जाएगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको जन्नत भेजा जाएगा। लेकिन ये मौलवी मुल्लाओं ने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है, पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदारनी हो जाएंगी, और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हूरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ। जो वो हिंदुस्तान में गंद की उल्टियां करते हैं, मुंह से गू का उल्टी करते हैं, वो तो है ही, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं उसमें 80% जो हैं वो टेररिज्म माइंड के हैं। देखिए कोई भी मुल्ला मौलवी बलात्कारी मुसलमान को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता है, कोई भी मुल्ला मौलवी जो मर्द तलाक देता है उसको नेगेटिव नहीं बोलता है। आज देखिए फिर से जैसे द कश्मीर फाइल में एक बिटर ट्रुथ दिखाया गया, द केरला स्टोरी में मुस्लिम कम्युनिटी का एक अगली ट्रुथ दिखाया गया, मुसलमान मर्दों का एक सही चेहरा दिखाया गया, तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसी तरीके से 72 हूरों में मुस्लिम कम्युनिटी का एक असली चेहरा दिखाया जा रहा है तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। पर मेरा कहना है कि भाई जब बॉलीवुड में मुसलमान एक्टर जब टेररिस्ट बनते हैं या हिंदू एक्टर जब टेररिस्ट बनते हैं और वो अपना मुसलमान नाम रखते हैं, तब ये मुसलमान मौलवी मुल्ला और ये लुंगी टोपी वाले दाढ़ी वाले जो लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहनते हैं वो वाले, इनकी मत मारी जाती है, तब ये सामने क्यों नहीं आते, तब तो बड़ा कूद कूद करके फिल्म देखने के लिए जाते हैं। आप देखिए बहुत पुराने पिछले में चले जाइए तब आपकी उम्र भी बहुत कम होगी और मेरी भी उम्र बहुत कम होगी, बहुत पहले मूवी आई थी मैचेस, जिसमें चार लड़के सिचुएशन के आधार पर कश्मीर में उन्होंने टेररिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, पर चारों मुसलमान थे, मुसलमान आइडेंटिफिकेशन दिखाया गया। उसके बाद मूवी आई थी फिजा,
जिसमें ऋतिक रोशन एक मुसलमान लड़का था और मिसगाइड और मिसअंडरस्टूड होने की वजह से वो टेररिस्ट बन गया था। उसके बाद फिर आई थी आमिर खान की फना, जिसमें वो टेररिस्ट बना था और वो मुसलमान बना था, इवन ताबीज वाबीज भी पहनता था, जो हमारे कुरान ने ताबीज का कोई मसला ही नहीं दिया है। उसके बाद फिर सैफ अली पटौदी परिवार के नवाब साहब की फिल्म आई थी उनकी अपनी बीवी के साथ करीना कपूर के साथ कुर्बान, जिसमें वो टेररिस्ट बने थे और पूरा फैमिली जो था वो मुसलमान था। तब आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है, तब आप क्यों नहीं इनको रोकते हैं, तब आप इनको क्यों नहीं कंट्रोल में लाते हैं कि भाई दुनिया के सामने तो तुम ही रख रहे हो कि मुसलमान टेररिस्ट होता है, दुनिया को तो तुम ही बता रहे हो कि मुसलमान टेररिस्ट होता है, कोई कोई राम श्याम भगवान तो आया नहीं आप इस तरीके की मूवी बनाने के लिए, कोई किसी टेररिस्ट का नाम राम तो रखा नहीं गया। तो बॉलीवुड में जब ऐसी ऐसी मूवीज आती है तब मुसलमान कूद कूद के जाकर देखते हैं। देखिए मिशन कश्मीर आया था जिसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा थी, उसमें भी वो टेररिस्ट बना था, उसमें भी वो मुसलमान बना था। तो आप मुझे बताइए कि आखिर तब मुसलमान मुल्ला कहां मर जाते हैं, कहां मुंह में क्या ले लेते हैं, तो जब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि बॉलीवुड मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहा है। बॉलीवुड में जितने भी टेररिज्म बेस्ड के जितने भी फिल्म आते हैं उसमें मुसलमान कैरेक्टर टेररिस्ट क्यों दिखाया जाता है, तब नहीं बोलते हैं, लेकिन जब ट्रुथ स्टोरी आती है तब उसको कह दिया जाता है कि भाई ये तो मुसलमान इस्लाम पे खतरा है, ये तो मुसलमानों पर कटाक्ष किया जा रहा है, ये तो मुसलमानों पर। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बात की पहले कश्मीर फाइल की, फिर द केरला स्टोरी की, अब हमारे सामने 72 हूरों की बात हुई है, इसी तरह आपने बॉलीवुड का जिक्र किया कि बॉलीवुड में हमेशा मुस्लिम्स को जो है ना मुस्लिम टैग के साथ उनको टेररिस्ट दिखाया जाता है, व्हाट डू यू थिंक इसमें इंडियन पॉलिटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्या उनका कोई रोल है, कोई एजेंडा हो सकता है? अब तो जनता की बात सुनी भी जा रही है, अब तो जनता के बातों को मतलब मद्देनजर और उसको एक सही तरीके से देखा भी जा रहा है, एक वैल्यूबल पॉइंट से देखा जा रहा है। पर जब मैं कुर्बान मूवी की बात कह रही हूँ, फिजा की कह रही हूँ, मैचेस की कह रही हूँ, फना की कह रही हूँ, या आपकी मिशन कश्मीर जो आई थी, द कश्मीर फाइल नहीं, मिशन कश्मीर जो आई थी जिसमें प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन था, तो ये सारी मूवीज जब आई थी और जिसमें मुसलमान को टेररिस्ट दिखाया गया था, तब तो कांग्रेस की सरकार यहाँ हुआ करती थी और तब तो ऐसा कुछ बात भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज तो कोई नई बात है नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो शायद 1994 की बात है जब ये मैचेस मूवी आई थी और मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया गया था। उसके बाद फिर कई मूवीज ऐसी आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि तुम जिहाद के नाम पर ये कर दो, तुमको जन्नत में अल्लाह तबारक ताला 72 हूरे अता फरमाएगा। तो ये 72 हूरों का लालच और 72 वर्जिन लड़कियों का लालच कब तक चलेगा भाई, जबकि कुरान तो ये 72 हूरों के बारे में बोलता ही नहीं है, हदीस बोलता है। आपने हदीस को अपने अपने तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके लिखा है, तो मैं हम सारे मुसलमान उसको मान लें, ये तो हम मानेंगे नहीं। देखिए कुरान में 41 बार, पूरे कुरान में 41 बार जिहाद का जिक्र है, पूरे कुरान में 30 पारे में 41 बार जिहाद का जिक्र है, जिसमें कहा गया है बिल कलम, मतलब अपने अपने दिल पर काबू रखें, कुछ गलत ना करे, अपने अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना भी एक जिहाद है। उसके बाद कहा गया है बिल लिसान, मतलब अपने जुबान पर काबू रखे, जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे किसी को भी दुख पहुंच जाए या किसी का बुरा हो जाए। उसके बाद कहा गया है बिल याद, मतलब अपनी हाथों पे काबू रखे, आपकी हाथों से कोई एक ऐसा शिर्क और गुनाह नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी तकलीफ हो। यहाँ पर यह डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, कुरान ने यह नहीं कहा है कि हिंदू को कर दो, मुसलमान को मत करना, सिख को कर देना, ईसाई को मत करना, ये नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है कि इन चीजों पे आपको काबू रखना है। और तब चौथे पर कहा गया है बिल सयाफ, मतलब सॉर्ड। तो ये जितने मुस्लिम कम्युनिटी वाले हैं ये चौथे जिहाद के मतलब को मानने को तैयार है, पर कुरान ने जो तीन और जिहाद का मतलब बताया है उसको मानने को तैयार नहीं है। जब देखो तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, आपके यहाँ से पाकिस्तान से जब अजमल कसब हमारे हमारे देश में घुसा था तो वो कोई अच्छा काम करने के लिए तो नहीं घुसा था, तबलीग के लिए तो नहीं घुसा था, यहाँ पर इस्लाम का
परचम फैलाने के लिए तो नहीं घुसा था, यहाँ पर मर्दों को ये सिखाने तो नहीं घुसा था कि भाई तुम तलाक मत दिया करो क्योंकि कुरान तलाक को, तलाक के लिए सख्त ममानियत करता है। उसने ये तो नहीं कहा आकर के कि देखो मुसलमान को बलात्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कुरान ने पाप कहा है, सिन कहा है, गुनाह कहा है। वो घुसा बम बारूद लेकर के और बंदूक लेकर के, ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, ना विधवा देखा ना प्रेग्नेंट देखा, उसने बस गोली चलाना स्टार्ट कर दिया और ना जाने कितने लोगों को उसने मार गिराया। तो ये कह रहा है क्या हमारा कुरान? ये तो नहीं कह रहा है हमारा कुरान। और ये जो मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी है या इस टाइप के जितने भी चिटिंगबाज मौलाना है, इनको ये अथॉरिटी किस पीर मुर्शिद ने दिया है, किस आयत ने दिया है, किस कुरान ने दिया है कि आप मुसलमान कौम में मर्दों को तबाह बर्बाद कीजिए 72 हूरों को, 72 वर्जिन हूरों का लालच दे करके? किसने आपको ये अथॉरिटी दी है? देखिए आज वो सिचुएशन और सिनेरियो रहा नहीं है जब हम क्लेवेज वाली मूवी देखें, जब हम प्यार मोहब्बत वाली मूवी देखें, जब हम पेड़ों के आगे पीछे डोल करके गाना गाने वाली मूवी देखें। जनता और पब्लिक इस मूड में है कि हमने तो बस अब फैक्ट देखना है, हमने तो बस अब जानना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये तो 72 हूरों वाला जो फंडा है ये कंप्लीटली झूठ है। अगर किसी मौलाना के पास कोई एक ऐसी आयत है जो कुरान से वो निकाल करके मुझे दिखा सकता है कि कुरान ने वर्जिन 72 हूरों का लालच मर्दों को दिया है, तो मैं उनसे कन्फ्रंटेशन में और आर्ग्यूमेंट में बैठने को तैयार हूं। ये मुल्लाओं ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करके रखा है, ये मुल्ला हिंदुस्तान के शांति को भंग करने के पीछे लगे हैं। और जब ऐसी फिल्में आती हैं जिससे लोग पब्लिक अवेयर होता है तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। द केरला स्टोरी में अगर ये बताया गया है कि हिंदू लड़कियां थोड़ा सा परहेज करें, मुसलमान लड़कों से थोड़ा परे रहें, तो क्या गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया है? भाई आप मुसलमान लड़कियों को तलाक देने में 3 सेकंड लगाते हैं तो हिंदू लड़कियों पर अत्याचार करने में आपको कितना समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। मैं विश आपके साथ ही बैठ करके मैंने डिबेट किया है द केरला स्टोरी पर और मैंने बहुत ही पॉइंट वाली बातें कही हैं जो व्यूअर्स को और पब्लिक को बहुत पसंद आई है मेरी बात, और मैंने हर बातें पॉइंट वाइज कही है। आज मैं जिहाद के बारे में जो कह रही हूँ कि 41 बार जिहाद के बारे में लिखा है, लेकिन चार चीजों में उसको बांटा गया है जिसमें 3 बार अलग अलग चीजों पर बंदिशें दिखाई गई है। आपके दिल पर बंदिशें दिखाई गई हैं, आपके दिमाग पर बंदिशें दिखाई गई हैं, आपके हाथ पर बंदिशें दिखाई गई हैं, आपकी जुबान को कंट्रोल करने को कहा गया है, पर ये मुल्ला, ये टोपी वाला लोग, इसने पूरे पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करने का ठीका उठा लिया है। ये मुल्ला मौलवी जो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, ये मुल्ला मौलवी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में क्यों भेजते हैं, कैथोलिक स्कूल में क्यों भेजते हैं, कैथोलिक स्कूल में असेंबली में तो बाइबल पढ़ाया जाता है। आप अगर इतने बड़े कुरान के परहेजगार हैं, आप इतने बड़े इस्लामिक हैं, तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में क्यों भेजते हैं? आप उसी मदरसे में क्यों नहीं बैठाते हैं? उसी मदरसे में भात और आलू क्यों नहीं खिलाते हैं? आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे और मुसलमान के बच्चों को आप फतवा जारी कीजिएगा, आप खुतबा में जुमा के बोलिएगा कि नहीं मदरसे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पता है ये जो चिल्ला बांधते हैं ये लोग 40 दिन का 41 दिन का, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है। अरे वो फिर नारे जहन्नम है, अरे हिंदू काफिर है, अरे हिंदू मरेगा तो जहन्नम जाएगा, अरे हिंदुओं का कुछ ये नहीं है। आप क्यों हमारे दिमाग में ये चीजें डालते हैं? आप होते कौन है हम मेरे दिमाग में ये चीजें डालने वाले? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ एक प्लेट पे खाते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को आप हमसे काफिर कहलवाइएगा? आज जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैठ करके खा रही हूँ वो मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि फिनारे जहन्नम? मैं नहीं बोलूंगी। मेरे सनातनी भाइयों के लिए, मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए मैं फिनारे जहन्नम नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मेरे लिए फतवा जारी हो, चाहे मुझे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, मैं हर वो चीज अग्री करके एक पैर पर लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं
इस षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैंने ठान लिया। और ऐसे में आने नाजिया जी, अभी आपने फिल्मों का जिक्र हम लोग कर रहे थे, ये सारी फिल्में अभी तक हिंदुस्तान की जानिब से बनी हैं, वहां पे भी मुस्लिम जो है सेकंड मेजॉरिटी कंसीडर होता है, ऐसी कोई भी मूवी कोई भी रियलिटी बेस्ड चीज हमें पाकिस्तान से देखने को क्यों नहीं मिलती? पाकिस्तान में भी तो यही प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी तो मौलवी मुल्ला का यही माइंडसेट होता है, इसी पर्सपेक्टिव से वो दुनिया को देखते हैं, इस्लाम को देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की जाती? क्या ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि वहां तो हिंदू रिलीजन है ऑन अनदर हैंड साइड टाई हो जाता है, यहाँ पे नहीं है, इस वजह से। ये सच है कि हमारे हिंदुस्तान में सेकंड मेजॉरिटी 14% मुसलमान है, माइनॉरिटीज में तो जैन सिख सब आते हैं, पर 14% मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे इस हिंदुस्तान में हम जैसे लोग भी यहाँ पर हैं जो जुबान खोल करके दुर्नीतियों को और गलतियों को चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। देखिए, आज आपके साथ द केरला स्टोरी हो या आज 72 मूवी हो, इस पर डिबेट करने के लिए कोई सीता या गीता नहीं बैठी है आपके साथ, इस पर नाजिया इलाही खान बैठी है, जिसकी पुश्त दर पुश्त आप निकालिएगा तो हिंदुस्तानी ही निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी। कुछ लोग मेरे नाना पर नाना दादा पर दादा निकालिएगा तो बहुत ज्यादा तो दिल्ली का जन्म निकल जाएगा, पर इसके अलावा और कहीं भी कहीं का भी नहीं निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस तरीके जो रियलिटी को सामने रखने की हिम्मत रखते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। और पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कंट्री बोलता है, पाकिस्तान खुद को कहता है कि वो कुरान पर चलता है। अगर वो कुरान पर चलता तो इमरान खान के घर से कोकी ना निकलता, अगर वो कुरान पर चलता तो इमरान खान औरतों को बद नजर से नहीं देखता, अगर पाकिस्तान कुरान पर चलता तो जो हिंदू पाकिस्तान के वहां पर शांति से रह रहे हैं उसको घर से निकालकर मारा पीटा नहीं जाता, अगर पाकिस्तान वाकई में 30 पर चलता तो वहां पर मंदिरें नहीं तोड़ी जाती, अगर पाकिस्तान वाकई में कुरान पर चलता तो आप जैसे मुसलमान इंटेलिजेंट लड़कियों को दंगों में घर के अंदर बंद नहीं होना पड़ता, क्योंकि आपके तो ये भाई है, आपके तो ये चाचा नाना है, सबके सब मुसलमान है। देखिए, ये कहने को पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, पर जितनी जितनी बेहयाई पाकिस्तान के मर्द करते हैं, उस बेहयाई का अगर मैं शिजरा खोल कर बैठूं और इतिहास के पन्ने को उलटना स्टार्ट कर दूं तो शायद ये डिबेट आधे घंटे में कंप्लीट नहीं होएगा, हम लोगों को कम से कम 72 बैठना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान में मुसलमान की मेजॉरिटी ही ज्यादा है? मुश्किल से 5% हिंदू होंगे जो हर वक्त अत्याचारित होते रहते हैं, हमारे कान में भी ये बातें आती रहती हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान के मुसलमान शराब नहीं पीते? क्या पाकिस्तान के मुसलमान ड्रग्स नहीं लेते? हमारा पंजाब क्यों परेशान है? आपके पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहां से ड्रग्स आता रहता है, इसलिए हमारा पंजाब परेशान है। आपके पाकिस्तान में 4 शादियां धड़ल्ले से होती हैं, कोई ना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 4 शादी के लिए नाजिया इलाही खान ने बैन करने के लिए आवाज उठाया। हमारे हिंदुस्तान में जब तलाक ज्यादा स्तर पर चढ़ने लगा और मेरी उम्र हुई, मेरी मैच्योरिटी हुई, तो मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर चिल्लाया और सारे डिबेट्स पर बैठकर कहा कि मैं नहीं होने दूंगी तलाक। मुसलमान औरतों के आइडेंटिफिकेशन के साथ इतना गंदा खिलवाड़ में नहीं होने दूंगी। तो पाकिस्तान में ना अपोजिशन अच्छे है और ना ही सरकार अच्छी है। पाकिस्तान में अगर शाजिया मर्री जैसी औरतें होंगी तो पाकिस्तान की महिलाएं खुद को कभी सेफ नहीं फील करेंगी, कभी नहीं फील करेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों वैल्यू दिया जाता है? उनको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया? क्योंकि वो संविधान मानते थे, क्योंकि वो एडुकेटेड आदमी थे, वो गलत को गलत और सही को सही बोलना जानते थे। आज नाजिया इलाही खान मुसलमान है, पर वो गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना